हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक्दस पूरी दुनिया के लिए रहमत है। मुल्क भर में पूरा साल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजराने अकीदत पेश करने के लिए महाफिल मिलाद का सिलसिला जारी रहता है। उज शरीफ में सरवर कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार अकीदत के लिए सालाना महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया है। मजीद जानते हैं ज़ियाउल हक की रिपोर्ट में। शरीफ से जौलत शहजाद, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अशम्स चौक पर, जहाँ सरवर कौनैन की ज़ात अकदस पर हदिया इक़ीदत पेश करने के लिए बाबरकत महफिल का इनेकाद किया गया है। समाजी रहनुमा मलिक ज़हूर खंड और उनके बेटे मलिक अदनान खंड शहीदी ये पुरवकार तकरीब सालाना मुनक़िद कराते हैं, जिसमें मारूफ नात खान हजरात समेत मुल्क के नामवर उलमाए किराम शिरकत करते हैं। तकरीब में मुल्क के नामवर नात खान मलिक अब्दुल मुस्तफ़ा शहीदी ने अपने नातिया कलाम के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सीरत बयान करके हाजरीन के दिल मोह लिए। इस मौके पर हर तरफ दुरूद की आवाज़ें गूंजती रहीं। जमात अहल सुन्नत के मारूफ आलम अल्लामा अरशद सईद काज़मी ने अपने खिताब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल पैरा होने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि हम आपकी सीरत पर अमल पैरा होकर दुनिया और आखरत में कामयाबी से हमकिनार हो सकते हैं। मुसलमानों के जवाल की बड़ी वजह इस्लाम से रूह गर्दानी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल ना करना है। मिलाद की इस तकरीब से दीगर नात खान हजरात ने नात खानी की। मिलाद की इस तकरीब में उस शरीफ समेत नवाही इलाकों के मुहिबान रसूल ने शिरकत की और तुरू फजर तक ये तकरीब जारी रही। बिलाशुबा मौजूदा बद अमनी की सबसे बड़ी वजह इस्लामी तालीमात से रूह करदानी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल पैरा न होना है। कैमरा मैन शामलक के साथ जयलक शहजाद, दुनिया न्यूज उच्चरी। और अब आपको लिए चलते हैं डेरा गाजी खान, जहां डेरा गाजी खान के 100 साल जश्न की तकरीबात का सिलसिला जारी है और डेरा के रहने वाले इन रंगारंग तकरीब में शिरकत करके अपनी सकाफत और रिवायात के बारे में दुनिया को आगाह कर रहे हैं। डेरा गाजी खान के 100 साल जश्न की तकरीबात के सिलसिले में हॉर्स एंड कैटल शो मुनक़द किया गया है। जानते हैं तारिक गुरमानी की रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूं स्टेडियम में, जहां डेरा गाजी खान के 100 साल जश्न की तकरीबात के सिलसिला में हार्स एंड कैटल शो मुनक्किद किया गया है। डेरा गाजी खान के 100 साल जश्न के मौका पर स्टेडियम में 2 रोजा हार्स एंड कैटल शो मुनक्किद हुआ। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी सीनियर सूबाई मुशीर जुल्कार अली खान कोसा, जबकि इख्तामी तकरीब के मेहमान खसूसी DCO इफ्तिखार अली सहू थे। शो में बैल दौड़ और नेजाबाजी के मुकाबलों के अलावा इलाकाई रक्स, ऊंट और घोड़ डांस शायकीन की दिलचस्पी और तवज्जो का मरकज बने रहे। महकमा लाइफ स्टॉक के जेर एहतमाम मुख्तलिफ मवेशियों, जिनमें साहिवाल, नीली रावी, फ्रीजन, जर्सी, दोगली और दाजल नस्ल के बैल, गाय, भैंसें और सांड शामिल थे, समेत बीतल, लायलपुरी, नाची, बर्बरी, तुर्की, कोका नस्ल के मेंढों, बकरों और बकरियों के अलावा कुदरती तौर पर बने हुए इसमें मोहम्मद वाली बकरी और गाय की नुमाइश की गई। पहले रोज जुल्फकार अली खोसा ने कमिश्नर हसन इकबाल, DCO इफ्तिखार अली सहू समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान को यादगारी शील्डें, जबकि इख्तितामी तकरीब के मौका पर DCO इफ्तिखार अली सहू ने नेजाबाजी और बैल दौड़ जीतने वालों समेत आला नस्ल के मवेशी पालने वाले जिम्मेदारों में इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की। हार्स एंड कैटल शो आवाम की तफरी के साथ साथ आला और नायाब नस्लों के मवेशी पालने वालों की हौसला अफजाई और रोजगार में इजाफे का बाइस भी बनेगा। कैमरामैन अमजद अमीन के साथ तारिक गुरमानी, दुनिया न्यूज, डेरा गाजी खान। नाज़रीन, डस्का की तारीख में पहली मर्तबा जश्न बहारा पर मेले का इनेकाद किया गया है, जिसमें बैलों की दौड़, ऊंट और घोड़ों के दरमियान रक्स के मुकाबले भी हुए हैं। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इरशाद की इस रिपोर्ट। डस्का की तारीख में पहली मर्तबा मेला जश्न बहारा मुनक्किद हुआ,
जिसमें नेजाबाजी, घोड़सवारी और घोड़ों के नाच का मुकाबला हुआ। इसमें पंजाब भर से तकरीबन 21 बेहतरीन टीमों ने शिरकत की। इस मुकाबला में 250 से ज्यादा घोड़सवारों ने शिरकत की। डस्का की आवाम ने ये मुकाबले इंतहाई दिलचस्पी से देखे। ये मुकाबले 2 दिन जारी रहेंगे। इस तरह के मुकाबले आवाम में तफरी के साथ नौजवान नस्ल में खेलों के फरोग के साथ साथ अपने कदीम विरसा की याद दिलाती है। इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज पंजाब क्लब ने अदा किए। ये प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर TMA डस्का के ज़ेर एहतमाम मुनक़द हुआ। कैमरामैन मोहम्मद अमीन के साथ तौहीद इकबाल भट्ट, दुनिया न्यूज़, डस्का। आवाम को सेहत की हर मुमकिन सहूलत फराहम करना हर हुकूमत का फ़र्ज़ है, लेकिन मुल्क में सेहत की सहूलतों के हवाले से शिकायत आम है। रफ़ीउल्लाह मलाना कलोरकोट के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और ऑपरेशन थिएटर समेत दीगर शोबों में सहूलतों की अदम दस्तियाबी के बारे में बता रहे हैं। आइए देखते हैं। मौजूद हूँ तहसील हेड क्वार्टर अस्पताल कलोरकोट में, जहाँ डॉक्टरों की कमी और ये अस्पताल दूसरे मसाइल का शिकार है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कलोरकोट का क्याम 1982 में अमल में लाया गया। 1982 से लेकर आज तक अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है और ये अस्पताल दूसरे मसाइल का शिकार है। इस वक्त अस्पताल में 13 के करीब डॉक्टरों की सीटें खाली हैं। अस्पताल का डेंटल यूनिट बहुत पुराना है और ये नाकारा हो चुका है और यहाँ आलात की कमी है। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में आलात सर्जिकल की कमी है और अद्वियात की भी कमी है। गायनी शोबा में स्टाफ और आलात की कमी है। अस्पताल के शोबे इमरजेंसी में अद्वियात की कमी है और यहाँ मुस्तकिल डॉक्टर ना है। अस्पताल के शोबे तिब में अद्वियात और स्टाफ की कमी है। अस्पताल में दाखिल मरीजों का कहना था कि यहाँ डॉक्टर और अद्वियात की कमी से वो सख्त परेशान हैं। अस्पताल में 30 लाख रुपये मालियत की एक्सरे मशीन तो मौजूद है, लेकिन इसे आज तक न चलाया गया। इस अस्पताल का जनरेटर लाखों रुपये मालियत का मौजूद है, लेकिन बजट न होने से इसे कभी कभार चलाया जाता है। कैमरामैन शकील हुसैन चौधरी के साथ रफ़ीउल्लाह मलाना, दुनिया न्यूज़, कलोरकोट।